अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे ढाबा स्टाइल की दाल माश। तो बजाय इसके कि हम बाहर से खाएं, हम अपने घर में ही साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं सेम टेस्ट। तो हम सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास है अजवाइन, हमारे पास रेड चिली क्रश्ड है, और हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं 3 से 4, इस तरह लंबा मैंने काट लिया है। हमारे पास गार्लिक पेस्ट है 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, एक टमाटर चॉप किया हुआ है और एक अनियन स्लाइस्ड है। उसके बाद हमारे पास नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और काली मिर्च साबुत है, ऑयल है, और हमने एक मग जो है वो दाल माश ऑलरेडी भिगो के रखी हुई आधे घंटे से। अगर आप चाहें तो आप फ़ौरन से भी पका सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भिगो के भी रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले अपने पैन को हीटअप करते हैं। यहाँ मैंने इसको ऑलरेडी हीटअप होने के लिए रखा हुआ है। तो हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं, ये 1/4 कप तकरीबन आप इसमें ऑयल डाल दें, और ऑयल अब हीटअप हो जाए जैसे ही तो आप उसके अंदर साबुत काली मिर्च डाल दें 5 से 6, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ऑयल गर्म था क्योंकि, तो ये फ्राई हो गई एकदम से। इसके साथ ही हम जो है वो प्याज भी डाल देंगे। आपने कभी भी अपने खाने को बहुत ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि उसका एक तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता और उसका बिल्कुल वो फ्रेश भी नहीं लगता। तो मुझे पसंद है थोड़ा फ्रेश उसका कलर, बिल्कुल काला रंग वो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद अब ट्रांसलूसेंट हो गया था हमारा प्याज, तो हमने इसके अंदर साथ ही डाल दिया अपना टमाटर जो हमने चॉप किया हुआ था, और हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी देर फ्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रहने दें। अभी हमारा मसाला फ्राई हो गया है, तो अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, आप इसके अंदर नमक डाल दें। इसके बाद 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, और 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर डाल दें। इसको आपने मिक्स करके, इसको पकाना नहीं है मसाले को बहुत ज़्यादा, बस मिक्स करें क्योंकि ऑयल गर्म है तो वो पक जाता है। ये डालने के बाद आप इसके अंदर अपनी दाल डाल दें, और जो पानी जिसमें वो भिगोई हुई थी वो भी आपने साथ ही डाल देना, सारा का सारा पानी। अब इसके अंदर मैं एक और मग जो है बड़ा पानी का डाल रही हूँ, और मैं इसको ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और हमारी आधे घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये इतना पानी जब रह जाए, और उतारने से 2 मिनट पहले जो है वो हम इसके अंदर ये साबुत का लाल मिर्च क्रश जो है वो डाल देंगे। इसके बाद पिंच हमने अजवाइन का डाल दिया है, और साथ हमने इसमें वाइट पेपर 1/2 टीस्पून डाला है, और 1/2 टीस्पून जो है वो हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया है। ये और इसके साथ ही आप ग्रीन चिलीज़ भी डाल दें। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको ड्राई करके फ्राई भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो आप थोड़ा सा इसको पतला भी रख सकते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमने डिश आउट कर लिया है, हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको अदरक और हरी मिर्च और धनिया से गार्निश कर लिया है, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक और